नमस्कार मित्रों, आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। मैं आप सभी का मित्र दोस्त रूपेश पांचाल, आप देख रहे हो आपके अपने दोस्त को। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले कि बोनस अंक क्या होते हैं, बोनस मार्क्स क्या होते हैं, क्यों दिए जाते हैं, कैसे दिए जाते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि आप सभी को इसी प्रकार की जो जानकारी, अच्छी अच्छी जानकारी है और जो एमपी बोर्ड से रिलेटेड जो स्टडी है, वो उसकी वीडियो आप सभी को प्रोवाइड होती रहेगी, आप सभी को उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, वरना डिसलाइक करना और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर करना। तो देखिए, बोनस अंक क्या होता है, बोनस मार्क्स क्या होता है, ये आप सभी के मन में अभी क्वेश्चन चल रहा होगा। तो जैसे कि आप सभी के 10th और 12th के अभी एग्ज़ाम क्लियर हुए और आप सभी में से बहुत सारे को बहुत सारे सब्जेक्ट में बोनस मार्क्स यानी कि बोनस अंक मिलने वाले हैं। अब आज के वीडियो में ये भी बात करेंगे कि आखिर ये बोनस मार्क्स मिलते किन को है। तो देखिए, बोनस मार्क्स वे मार्क्स होते हैं यानी कि बोनस अंक वे अंक होते हैं जो कि गलत क्वेश्चन के ऊपर मिलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप सभी को एक पेपर आया, मान के चलिए उसमें 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं, मान के चलिए टोटल 5 क्वेश्चन है। अब आपने मान के चलिए सारे के सारे सोल्व किए, अब मान के चलिए उसमें से क्वेश्चन नंबर 2 जो है, प्रश्न क्रमांक 2 जो है वो गलत है, वो रॉन्ग है, वो क्वेश्चन ही गलत है, तो भाई उसका आंसर तो गलत होगा ही। फिर तो फिर आप सभी का क्वेश्चन नंबर 2 जो है, चाहे सही हो चाहे गलत हो, उसका आंसर चाहे सही हो चाहे गलत हो, उसका उत्तर सही हो चाहे गलत हो, तो आप सभी को उसका जो है नंबर दिया जाता है फ्री में, चाहे वो प्रश्न कितने भी नंबर का हो। ठीक है, पहली बात ये। अब ये अंक मिलते किसको है ये बात कर लेते। तो ऐसा नहीं है कि जिसने क्वेश्चन को छोड़कर आया उसको भी इसका मार्क्स मिल जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। जो क्वेश्चन को छोड़कर आएगा, मिस कर देगा, उसका आंसर नहीं लिखेगा, उसको कोई भी नंबर नहीं दिए जाएंगे, उसको 0 दिया जाएगा। लेकिन मान के चलिए जिसने गलत ही लिखा, लेकिन लिखा तो उसको इसका मार्क्स ज़रूर मिलेगा, उसका मार्क्स नहीं कटेगा, पूरा पूरा मार्क्स दिया जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि भैया पेपर को पूरा पूरा लिखो, चाहे जो लिखो, जो भी आए जो लिखो, लेकिन एक भी नंबर नहीं, मतलब एक भी प्रश्न छोड़कर नहीं आना है। वो इसीलिए क्योंकि भैया उसमें 4-5 मार्क्स जो रहते हैं ना, बोनस अंक रहते हैं, अर्थात मिस लीडिंग हो जाती है उसमें, मिस टाइपिंग हो जाती है उसमें, कीवर्ड्स की टाइपिंग मिस हो जाती है, जिसके द्वारा जो क्वेश्चन गलत हो जाता है, तो फिर आप सभी को उसका बोनस अंक दिया जाता है। आई होप कि आपको पूरी जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आप सभी को वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।